हापुड़ की बाबूगढ़ थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लग गई। आपको बता दें, बाबूगढ़ थाना पुलिस ने दो शातिर चोरों और उनसे चोरी के आभूषण खरीदने वाले एक सुनार को गिरफ्तार करते हुए चोरी की चार घटनाओं का खुलासा भी किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से चोरी के आभूषण, नकदी, 5 मोबाइल और 1 चाकू बरामद किया गया है। साथ ही इनके एक साथी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसके गिरफ्तारी करने का प्रयास बाबूगढ़ पुलिस द्वारा किया जा रहा है। बताया गया है कि बाबूगढ़ थाना पुलिस ने इन दो शातिर चोरों और इसके चोरी का सामान खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों शातिर चोरों ने अपने एक और साथी के साथ बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक अस्पताल और 2 मकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। साथ ही इनके द्वारा हापुड़ थाना देहात में भी एक चोरी की घटना की गई थी। बताया जा रहा है कि इनका एक साथी अभी फरार है, जिसकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, बाबूगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है, किस चीज को लेके खुलासा और क्या है इसमें बरामद किया है? बाबूगढ़ पुलिस द्वारा 2 शातिर चोरों को व 1 सुनार, जिसे ये चोरी का माल देते थे, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके गिरफ्तारी से 4 चोरी की घटनाओं का अनावरण हुआ है, जो 3 बाबूगढ़ की हैं तथा 1 हापुड़ देहात से संबंधित है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता रोड की दीपक जी के यहाँ 9 जुलाई को हुई चोरी की घटना और अगस्त में 1 चोरी की घटना का अनावरण हुआ है। सभी चोरियों का 100% माल बरामद किया गया है। अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास भी है, बाकी इनका पूर्व आपराधिक इतिहास जानने का प्रयास किया जा रहा है और इनके द्वारा की गई अन्य घटनाओं के संबंध में भी और जानकारी की जा रही है।